ब्रिटेन जहां एक तरफ अपनी महारानी के निधन के शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का एक शहर नफरत की आग में जल रहा है। ब्रिटेन में दो समुदायों में फैले तनाव की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन इसका एक कनेक्शन भारत और पाकिस्तान से भी है। कैसे, वो आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये खबर समझिए। एशिया कप से शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि ब्रिटेन के कई शहरों में इसका असर दिखने लगा। फिलहाल जो खबर आई है वो दरअसल ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर से है, जहां हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और भगवा झंडे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर भर में बवाल काटा और हिंदू मंदिर और हिंदुओं की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मामले में जब पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम वो वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि इससे आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। पुलिस ने भी इस तरह के वीडियोस को वायरल करने पर रोक लगा दी है। लिसेस्टर पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में पता है और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की घटना है। ब्रिटेन में लगातार भारतीय और खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब 28 अगस्त को एशिया कप में क्रिकेट मैच के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी थी। भारत की जीत और पाकिस्तान की हार से कट्टरपंथी नाराज चल रहे थे। यही वो दिन था जब दोनों समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ ये और ज्यादा बढ़ता गया। ब्रिटेन से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाराज होकर एक समुदाय की भीड़ ने हिंदुओं को बंधक बनाने की कोशिश की। यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया और कारों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की मांग उठी। पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन बवाल फिर भी कम नहीं हुआ। मंदिर पर हमले की घटना के बाद से अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो लोगों की गिरफ्तारी तो हिंसा वाली जगह से ही हुई है, बाकी सीसीटीवी फुटेज वायरल वीडियोस के आधार पर जांच जारी है। मंदिर को निशाना बनाए जाने पर भारतीय उच्चायोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत की तरफ से हिंसा और हिंदू धर्म के परिसरों और प्रतीकों की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही ब्रिटेन के सामने इस मामले को मजबूती से उठाया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई और भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है।